अच्छा, तो ऐसा काम करोगे भाई तो पुलिस तो उठा के ले जाएगी। सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ सभी का एक और न्यू फ्रेश कमाल टेक न्यूज़ वाले वीडियो में। और मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे सर्वर टकला दिया हूँ तो इसी कारण से थोड़ा चेंज लग रहा है। वैसे यहाँ पे टेक न्यूज़ पहले जैसा ही मिलने वाला है, तो चलो गाइस जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले टेक न्यूज़ यहाँ पे जियो की तरफ से आ रहा है। तो जियो जो है संडे को यहाँ पे पूरी तरह से डाउन हो गया था, जिसके कारण से काफ़ी सारे लोगों को परेशानी हुई। डाउन डिटेक्टर वेबसाइट है, वहाँ पे काफ़ी सारे रिपोर्ट्स देखने को मिले। काफ़ी सारे यूजर्स ने यहाँ पे ट्विटर पे जाके ट्वीट किया कि उनको जियो में जो है बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिल रहा है, नेट चला पा रहा है ना कुछ भी कर पा रहा है। तो यहाँ पे खासकर ये जो प्रॉब्लम है वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो अगर आप दिल्ली से रहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस हुआ है। और यहाँ पे कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है कि जियो में जो है कुछ ना कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पे हर कुछ दिन के बाद होता ही जा रहा है। तो यहाँ पे जियो जो है हो सकता है कि इतने सारे नए नए जो है वो 5G डिप्लॉयमेंट कर रहा है एंड काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है, जिसके कारण से वो संभाल नहीं पा रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ था तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो यहाँ पर कुछ टाइम से एक यहाँ पे अफवाह फैल रहा है, एक र्यूमर फैल रहा है मार्केट में कि जो शॉमी कंपनी है वो अपना खुद का यहाँ पे OS डेवलप कर रही है, अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम MIOS यहाँ पे डेवलप कर रही है। जिस तरह का हमारा भारओएस है इंडिया का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे ही यहाँ पे जो कंपनी है वो यहाँ पे MIOS एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रही है। अभी इसके हमें स्क्रीनशॉट्स भी देखने को मिले थे चाइनीज लैंग्वेज में, बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि ये फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर ऐसा होता तो कंपनी खुद ही बताती, क्लैरिफाई करती, और इसके बारे में कंपनी ने अभी तो कुछ भी नहीं बोला है। तो हो सकता है कि ये बस एक, मतलब आप बोल सकते हो कि ऐसे ही फेक कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह हम लोग के सामने आया। फिर अगर हो सकता है कि वो लोग कुछ अपना OS वगैरह बना रहे हैं, तो काफ़ी जल्दी हम लोग को कुछ ना कुछ कन्फर्मेशन जरूर से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर BGMI के कमबैक को लेकर कुछ न्यूज़ आ रही है, कुछ अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अभी जो BGMI आएगा, मतलब वो तो फिक्स है कि वो आएगा ही, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह किए जाएंगे। अब चेंजेस क्या किए जाएंगे कि सबसे पहले वहाँ पे आपको एक लिमिटेड टाइम तक ही आप BGMI खेल सकते हो, यानी कि जो पबजी होगा उसको खेल सकते हो। ऐसा नहीं कि आप दिन भर लगे हुए 24 घंटे खेल रहे हो खेल रहे हो खेल रहे हो, ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे। कुछ आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा, उसी पर आप खेल पाओगे। इसी के साथ वहाँ पे जो ब्लड दिखता है वो ब्लड आपको रेड में कलर में नहीं दिखेगा, ग्रीन कलर में दिखेगा। और भी कुछ कुछ चेंजेस किए जाएंगे जिससे कि बच्चों पर बुरा प्रभाव ना पड़े, बट मेरे को नहीं लगता कि इन चीज़ों को कोई फर्क पड़ने वाला है। तो ये जो BGMI या पबजी के ऊपर जो यहाँ पे लिमिट्स वगैरह लगाने की बात चल रही है, उसके ऊपर मेरे कुछ थॉट्स है, कुछ विचार है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर आप एग्री करते हो या फिर नहीं भी करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जोर से बताना। सबसे पहले तो ये जो ब्लड की बातें चल रही है कि ग्रीन दिखाएंगे रेड दिखाएंगे जो भी दिखाएंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आजकल के बच्चे जो वो ब्लड ब्लड से नहीं डरते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कांड कर देते हैं और अब ब्लड पे अभी तक अटके हुए हो, वो भी गेम के अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो लिमिट वाली बात हो गई कि हम लोग मतलब पूरा 24 घंटा गेम नहीं खेल पाएंगे, BGMI नहीं खेल पाएंगे, भाई जिसको खेलना होगा ना वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेगा, दूसरी आईडी से खेलेगा, ठीक है, तो इस पर भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और जो बैन अनबैन का यहाँ पे खेल चल रहा है ना, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि बच्चे जो है वो हज़ारों रुपये अपने पेरेंट्स के डाल देते हैं यहाँ पे BGMI पे, और मतलब बहुत सारा पैसा वेस्ट कर देते हैं इन सब चीज़ों पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पबजी से ज़्यादा तो लोग यहाँ पे फ्री फायर में पैसा लगाते हैं। आप यहाँ पे लाइव ग्राउंड पे आके देखो ना भाई, फील्ड पे आके देखो कि क्या चल रहा है, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ पे मैं खुद देखता हूँ लोग यहाँ पे 30-30 रुपये 40-40 रुपीज़ करके यहाँ पे हज़ारों रुपीज़ लगा देते हैं फ्री फायर में पैसे, ठीक है, वो पता नहीं चलता है बिकॉज अमाउंट छोटा होता है इसी कारण से। बट यहाँ पे धीरे धीरे उनका पूरा हिस्ट्री देखोगे ना तो हज़ारों रुपीज़ लगाए हुए होते हैं, और जो BGMI जो पबजी है उसमें कुछ ही लोग पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी कंसिडर करने वाली चीज़ है। वैसे अब जो भी है, मैंने जो मेरा थाट्स था वो बता दिया, आपके क्या थाट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो अभी मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक जोक सुनाने वाला हूँ जिससे आपको बहुत हंसी आएगा, सुनाओ। BSNL जो है अपना 4G 2 साल के अंदर 24 महीने में, 18 से 24 महीने के अंदर पूरे इंडिया में लॉन्च कर देगा। हंसी आया आया ना? तो यार यहाँ पे 5G लॉन्च हो चुका है, 6G की बातें चल रही हैं, और BSNL क्या कर रहा है, यहाँ पे 4G पे अटका हुआ है। अभी अटका क्या हुआ, अभी तक लॉन्च नहीं किया है, मतलब इससे बुरा है और हो ही क्या सकता है। यही कारण है मेन बात कि यहाँ पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और इसको बीच में आना चाहिए था, अभी 5G को लॉन्च करना चाहिए था, 4G अटका हुआ है, अभी तक 4G लॉन्च नहीं किया। मोनोपोली तो होगी भाई, डुओपोली अभी चल रही है, एयरटेल और यहाँ पे जियो जो है वो प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं, और ये जो है वो BSNL चुपचाप ऐसे साइड में।
तो व्हाट्सएप में स्टेटस अपडेट करने में भी आपको जेल हो सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र का एक बंदा था जिसने मुगल शासक औरंगजेब के बारे में कुछ ज़्यादा ही बड़ाई कर दी थी, बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ें बता दी थी, जिसके कारण से पुलिस उसको उठा कर ले गए। अब पुलिस के पास तो उसका स्टेटस अचानक नहीं पहुँचा होगा, वो जो बंदा होगा उसे किसके जानने वालों ने, फ्रेंड्स वगैरह ने ही बताया होगा पुलिस को कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा चीज़ें कर रहा है ये बंदा, इसको इसके ऊपर केस वगैरह होना चाहिए। तो फिर पुलिस आई उसको उठा के ले गई। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के ज़माने में इंटरनेट पर अगर कुछ बता रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो बहुत सोचना समझ कर आपको बताना चाहिए या फिर बोलना चाहिए, बिकॉज इससे आपको दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। तो हाँ, बेटर यही रहेगा कि सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलो तो सोच समझ कर बोलो। अभी पोको का जो F सीरीज है, F1, F2, F3, F4, तो F5, यहाँ पे 5G करके एक फोन लॉन्च होने वाला है, पोको F5 5G, जिसमें कुछ अच्छी खासी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब ये जो फोन्स होते हैं, ये जो सीरीज़ के फोन्स होते हैं, ये काफ़ी पावरफुल फोन्स होते हैं और ये काफ़ी मतलब अच्छे होते हैं, आप बोल सकते हो फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स होते हैं। तो यहाँ पे पोको F5 5G जो है काफ़ी जल्दी अप्रैल में यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, 6 तारीख को, और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो कुछ लीक्ड स्पेसिफिकेशंस हमारे सामने आई हुई हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसका जो प्राइस है वो लगभग आप बोल सकते हो 27 से 28 हज़ार रुपीज़ हो सकता है, मतलब ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो स्मार्टफोन को परचेज करने के लिए, तो यहाँ पर लॉन्च होने वाला है अप्रैल में, उसके बाद कुछ दिन बाद ये सेल पर आ जाएगा, तो आप इसको परचेज कर पाओगे। तो गाइज, अभी जितने भी सारे यहाँ पे टेक न्यूज़ थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।